पश्चिम यूपी के बड़े चेहरे इमरान मसूद कहाँ जाएंगे इसका फैसला हो चुका है इमरान मसूद ने बता दिया है और उनके समर्थक भी शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम में जुट गए हैं सात अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे इसी बीच पश्चिम यूपी के एक बड़े चेहरे और कदावर नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है इमरान और धर्म सिंह पहले तो आमने सामने चुनाव लड़ते आए हैं लेकिन दो के चुनाव में धर्म सिंह और इमरान मसूद की मित्रता हो गई थी दोनों नेताओं में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी पहले कहा जा रहा था जहाँ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जाएंगे वहीं इमरान मसूद भी जाएंगे लेकिन इमरान मसूद का तो फाइनल हो गया है लेकिन धर्म सिंह सैनी का अभी फाइनल नहीं हुआ है कि धर्म सिंह सैनी भाजपा में जाएंगे या सपा में जाएंगे या लोकदल में जाएंगे या फिर कांग्रेस का दामन थामेंगे कहाँ जाएंगे ये अभी फाइनल नहीं हुआ है या फिर कुछ और ही कदम उठाएंगे धर्म सिंह सैनी सैनी समाज से आने वाले कदावर नेता माने जाते रहे हैं लेकिन उनकी राजनीति को बड़ा झटका यह है कि सपा छोड़ने के बाद भाजपा में जाने का मन बना लिया था लेकिन उन्हें भाजपा में शामिल नहीं किया गया धर्म सिंह सैनी के सियासी जीवन के लिए यह उनके जीवन में सबसे बड़ा झटका है लेकिन लोकसभा को लेकर किराना लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं यह भी चर्चा सभी जगह अब आम होती नजर आ रही है लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे यह क्लियर नहीं है लेकिन 2024 को भी छोड़ देते हैं तो बात 2027 की करें तो वह किस दल से चुनाव लड़ेंगे धर्म सिंह सैनी के लिए यह चिंता की बात भी है अगर धर्म सिंह सैनी के राजनीतिक भविष्य की बात करें तो 2002 से 2022 तक लगातार चार बार विधायक रहे हैं और दो बार मंत्री बीएसपी सरकार में 2007 से 2012 तक कैबिनेट में से शिक्षा मंत्री और बीजेपी की सरकार की अगर बात करें तो भाजपा सरकार में 2017 से 2022 तक स्वतंत्र प्रभार आयुष एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री अथवा अगर सपा सरकार की बात करें तो सपा सरकार में भी लोक लेखा समिति का चेयरमैन जो मंत्री का ही दर्जा प्राप्त होता है लेकिन 2022 में भाजपा के मुकेश चौधरी से मामूली अंतर 315 वोट के अंतर से चुनाव हारे हैं इसके बाद ही सपा से धर्म सिंह का सपा से मोहबंग हो गया इसके पीछे सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं हैं कि भाजपा जरूरी नहीं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की मजबूरी थी भाजपा में जाने के लिए सेटिंग हो गई थी भाजपा से हरी झंडी मिल गई थी लेकिन धर्म सिंह सैनी के काफिलों को बीच में ही रोक दिया गया था कि भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा खतौली जा रहे बीच रास्ते में ही काफिलों की वापसी करनी पड़ी थी इसके साथ ही सैनी समाज के साथ साथ धर्म सिंह सैनी के समर्थक भाजपा से नाराज हो गए थे उसके बाद ही भाजपा ने धर्म सिंह सैनी को घेरना शुरू किया और समाज के लोगों का कहना है कि धर्म सिंह को झूठे आरोप से जांच में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा सैनी समाज और उसके साथ ही धर्म सिंह सैनी के समर्थक धर्म सिंह के साथ हो गए थे और इस प्रकरण के बाद भी धर्म सिंह कहीं पर भी किसी तरह से कमजोर स्थिति में नजर नहीं आए क्योंकि वह शुरू से ही सैनी समाज के कदावर नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत वजूद भी किसी से कम नहीं है राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि धर्म सिंह सैनी जिस दल के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस दल को फायदा ही मिलेगा सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट ब्रेकिंग प्लस न्यूज के लिए